नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हो? सभी बढ़िया हो भाई? सारे कुशल मंगल हो गए, ठीक है? इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी कमेंट्स डालते हो आप लोग, ठीक है, प्लीज लड़ाई मत करा करो कमेंट पे। यदि आपके पास में कुछ बढ़िया है, कुछ नॉलेजफुल है, तो आप डाल दिया करो, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके अलावा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, देखो अभी तो फिलहाल जो सिलेबस है वो चला हुआ है लगातार, लेकिन थोड़े दिनों बाद एक नया मैच स्टार्ट करेंगे। उस मैच का जो एम होगा, जो उद्देश्य होगा, जो पर्पज होगा, वो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम जो होगा उनको क्रैक करने का होगा दोस्तों, और वो लगभग नवंबर में स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक। बस अब धैर्य रखें और हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब पे भी देंगे, ऐसी बात नहीं यूट्यूब पे नहीं देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, लेकिन काम है उनका जो फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉलो करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये थी, सर ये सारी वीडियो आप हिंदी में प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, हमारा एग्जाम इंग्लिश में आता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएसटी के अंदर यही होती है, लैंग्वेज वाली। यदि आपके पास नॉलेज है तो आपके पास फैक्ट भी है, और यदि आपके पास फैक्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय और कोई शक वाली बात नहीं है। तो नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज यहाँ से जाएगी आपके पास में, ठीक है। और एक वीडियो को देखो और बार बार उसका अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो दोस्तों, ठीक। उसके नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी तरह के नोट्स बनाओ, ताकि आप टेंथ के नोट्स आगे चल के ट्वेल्थ करने के बाद में जब आप कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा यूजफुल है आपको प्राप्त करें, ठीक। अब आते हैं कोयला रिसोर्सिंग पर। तो कोयला रिसोर्सिस या कोयल रिसोर्सिस बोलते हैं कोयला संसाधन। कोयला एक ऊर्जा खनिज है दोस्तों, ये जलता है, इसका दोहन होता है, और दोहन होने के बाद में इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। अब इसके बाद में यदि बात करें तो कोयला जो होता है, कोयला कार्बोनिक फेरस एज थी, कार्बोनिक फेरस युग उसमें बनना प्रारंभ हुआ था, और आज के टाइम में जो कोयला है वो टर्सरियन एज का कोयला है, ठीक है। कौन सी है? टर्सरियन एज। और उसके बाद जस्ट पहुंचते हैं कोयले का रंग, कोयले का काला रंग होता है, कुछ कोयले का हल्का भूरा रंग भी होता है, ठीक है, मुँह में जस्ट आगे बताऊंगा। कोयले का रंग काला होता है और इसी कालेपन के लिए उसे काला सोना बोला जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद जस्ट आते हैं कोयले के प्रकार। तो कोयले के प्रकार कितने होते हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोयल? तो कोयले के प्रकार होते हैं दोस्तों चार। नंबर एक एंथ्रासाइट, ठीक है, नंबर दो बिटुमिनस, नंबर तीन लिमोनाइट लिग्नाइट, और नंबर चार पीट। देख जैसे कि ये लिखा हुआ है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के काइंड है दोस्तों, ठीक। सबसे द बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला एकमात्र जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में मिलेगा, ठीक ये। और मैं थोड़ा थोड़ा जैसे ही बताऊं, जैसे कुछ कोयला गोंडवाना एज का है, कुछ कोयला टर्सरियन एज का है, ठीक है। 98% जो कोयला है इंडिया में वो गोंडवाना एज का है, ठीक है, और जो 2% कोयला है वो टर्सरियन एज का है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद यदि बात करेंगे, देखो कोयला रिसोर्स, कोयल रिसोर्स ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, कोयले के चार प्रकार एंथ्रेसाइट, बिटोमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। उसके बाद एंथ्रासाइट द बेस्ट क्वालिटी का होता है, द बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसके बाद ये चार टाइप हो गए कोयले के। नंबर एक एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट में कार्बन की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो होती है 80% से 90% तक, ठीक है। सेकेंड पे आएगा बिटुमिनस, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा दोस्तों 40% से 80% तक होती है। जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही प्योर होगा और उतना ही धुआं कम निकालेगा, लेकिन जब कोयला 100% कार्बन में बदल जाएगा तब वो कोयला नहीं डायमंड हीरा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कोयला पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, ये भी ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। उसके बाद देश में लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में 40-50% कार्बन होता है लिग्नाइट में, और ये भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसको भूरा कोयला भी बोला जाता है। और लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट रिसोर्सेज सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक। तमिलनाडु के 3 स्थान है, नंबर 1 नवेली तमिलनाडु, नंबर 2 जेम कोंडा चोलापुरम, ये भी तमिलनाडु में है, और मन्नारगुड़ी, ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद जस्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देश में कोयले का कुल वर्तमान भंडार, यदि प्रेजेंट टाइम में स्टोर पता करें हम कोयले का, तो प्रेजेंट टाइम में कोयले का स्टोर है 285 अरब टन, ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद 77% जो कोयला है वो विद्युत ग्रह थर्मल पावर के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। 77% भाग ताप विद्युत ग्रहों में प्रयोग किया जाता है। सर ताप विद्युत ग्रह क्या होते हैं? ताप विद्युत ग्रह को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर को बोलते हैं तापीय ऊर्जा, ठीक। हाइड्रो पावर का बोलते हैं जल शक्ति या जलीय ऊर्जा। उसके बाद देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का जो योगदान है वो 67% माना जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद देश में कोयले का जो समस्त भंडार है
देश में इंडिया में जो भी कोयला है उस कोयले का 98% जो है वो गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है और जो 2% कोयला है वो टर्सरियन एज या टर्सरियन चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों। और टर्सरी चट्टान जो होगी ये जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाएगी और इन्हीं में ही क्या मिलता है एंथ्रासाइट मिलता है जो कि द बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है कोयला होता है उसके बाद। और यह छोटा नागपुर पठार में देखो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र बिटुमिनस कोयले के लिए जाना जाता है। बिटुमिनस ये सेकंड द्वितीय कोटि का कोयला होता है सेकंड क्लास। बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा निकलता है ठीक। भारत में निकलने वाला कोयला सबसे ज्यादा कौन से काइंड का किस प्रकार के तो वो है बिटुमिनस प्रकार का ठीक है। इंडिया में प्राप्त होने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकलता है वो वह छोटा नागपुर पठार झारखंड में माना जाता है ठीक है। छोटा नागपुर पठार के चार राज्यों ठीक है छोटा नागपुर पठार मुख्यतः चार राज्यों से प्राप्त होता है। नंबर एक झारखंड से मिलेगा, नंबर दो उड़ीसा, नंबर तीन पश्चिम बंगाल और नंबर चार छत्तीसगढ़ से मिलेगा। उसके बाद टर्सरी कोयला जो 2% कोयला है टर्सरी कोयला एंथ्रासाइट होता है और ये द बेस्ट क्वालिटी का होगा और जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से प्राप्त होगा। उसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल से ही सबसे पहले कोयले का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था दोस्तों ठीक है। कोयले का उत्पादन सबसे पहले रानीगंज खान से हुआ था। रानीगंज माइन काफी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अंग्रेजों के टाइम पे यहीं पे कोयले की खोज हुई थी दोस्तों, यहीं से कोयला निकाला गया था ठीक है। पहली बार कोयला यहीं से उत्खनन हुआ था, खोदा गया था। उसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी दामोदर रिवर वैली में देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ से 35% कोयल प्रोडक्शन होता है ठीक। कोयले का उत्पादन होता है 35%। उसके बाद झरिया झारखंड में आता है। झरिया खान धनबाद जिला झारखंड में पड़ता है, इसीलिए झरिया झारखंड ये भी दामोदर रिवर वैली में ही है, दामोदर रिवर वैली में आता है और झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये ठीक। ये ध्यान रखना झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया किस स्थान में पड़ता है, ये धनबाद जिले में पड़ता है। उसके बाद गिरहिड भी झारखंड में मिलेगा दोस्तों। गिरहिड ये भी दामोदर घाटी क्षेत्र दामोदर रिवर वैली में मिलेगा और ये भी झारखंड में है। उसके बाद जस्ट आता है बोकारो और हजारीबाग, ये भी झारखंड में पड़ेगा। बोकारो झारखंड में एक जिला है और हजारीबाग भी झारखंड में जिला है। बोकारो और हजारीबाग झारखंड में दामोदर घाटी में, तो ज्यादातर जो कोयले का स्टॉक है वो दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है। उसके बाद तलचर उड़ीसा, तलचर एक स्थान है और तलचर ड्यूटीरियम के लिए भी फेमस है। ड्यूटीरियम क्या होता है सर? ड्यूटीरियम होता है D2O, इसको बोलते हैं हैवी वाटर भारी जल और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों ठीक है। तलचर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी घाटी में निकलता है ठीक है। यहाँ पे बदल गया दोस्तों, पहले कहा दामोदर रिवर वैली से प्राप्त होता था लेकिन अब तलचर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी जो है उसकी वैली में मिलता है। उसके बाद अब थोड़ा सा मैप में शो करूंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी माइन है। देखो झारखंड में चार खान मिलेगी। झारखंड देखो पश्चिम बंगाल की रानीगंज खान कोयले के लिए फेमस है, झारखंड की झरिया खान और गिरहिड और बोकारो ठीक है, ये सब झारखंड में है दोस्तों ठीक है। तीन खाने झारखंड में है। उसके बाद में यदि बात करें हजारीबाग, यहाँ लिखा है बोकारो और हजारीबाग ठीक है, ये भी कोयले के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद तलचर उड़ीसा में पड़ेगा, कोयला रिसोर्सेज है यहाँ पे भी। उसके बाद में सिंगरेली मध्य प्रदेश में है दोस्तों और सिंगरेली मध्य प्रदेश में कोयल रिसोर्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद में सोहागपुर भी मध्य प्रदेश में है जो कोयले रिसोर्सिंग के लिए जाना जाता है। उसके बाद रामकोला छत्तीसगढ़ में है दोस्तों कोयल रिसोर्स। रामकोला कोरबा भी छत्तीसगढ़ में लगेगा और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में माना जाता है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, कोयले की खान है गोलकुंडा और वहीं से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना ठीक है गोलकुंडा की खान से। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट था कोयले का, यदि जरूरी जानकारी रहेगी तो पार्ट सेकंड बनाओगे उसको रिलीज करेंगे जल्दी डाल लेंगे। और भाई प्लीज लड़ाई बड़ाई मत ना किया करो ठीक है, आपकी जो कमेंट हो जो क्वेरीज हो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो या मेरे जो एक मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दूंगा भाई। वैसे तो मैसेज ना करें गुड मॉर्निंग गुड नाइट के सब पढ़ ही नहीं जाते दोस्तों, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं दिन में। और थोड़ा आप उनको बस अपनी क्वेरी वारी शेयर कर ले या ऐसा करें आप जितने भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं सब अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें मुझे ऐड कर दें, मैं वहां पर भी आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल ना लो, सीरियस बिल्कुल ना हो, कॉमेडी में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार सिलेबस करा दूंगा ठीक है, एग्जाम तक 3 बार करा दूंगा इसको रिपीट, कुछ नहीं बचेगा। बाकी और ध्यान दो और सब्जेक्ट पर, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन पर ध्यान दो ठीक है। नमस्कार।